हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधे राधे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? आई होप बढ़िया हो, एकदम मज़े में होगे। और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह ऊपर झाड़ू वगैरह करके और अपना नॉर्मल वाटर पी के मैं आ गई थी सबसे पहले नीचे। मैं सोचा पहले बाहर का कर देती हूँ साफ़ सफ़ाई, लेट करना ना थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को, तो मॉर्निंग में सबसे पहले जो है बाहर की धुलाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी में लगूँगी नहा धो के, क्योंकि जीनू को स्कूल जाना है। सबसे पहले जीनू ही जाती है, उसके बाद पापा जी और हस्बैंड जाएंगे, तो बाद में जो है अंदर की सफाई मैं करूँगी बाद में, नीचे की। ऊपर की तो खैर बाद में करती हूँ, नीचे की ना जीनू चली जाएगी उसके बाद करूँगी, फिर उसके बाद जो है पूजा वगैरह करूँगी। तो पहले जो है मुझे यहाँ धुलाई करके लगना है ऊपर जाके खाने में। तो नहा धो के मैं आ गई थी रसोई में, बाहर साफ़ सफाई करके। और आज बना रही हूँ मैं अरबी की सब्ज़ी, अरबी उबाल ली है, आलू उबाल लिए हैं, तो आलू का पराठा जो है वो हो गया है। तो जीनू के लिए आलू का पराठा, और अरबी की सब्ज़ी ना उसमें बनती है हमारे मोस्टली ना हरी मिर्च को पीस के और उसमें बनती है, तो पापा को वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बट मैंने जीनू के लिए थोड़ी सी अरबी कट करके और ऐसी नॉर्मल हल्की सी, बहुत हल्की सी मिर्च डाल के बना दी थी फ्राई करके, तो वो खा के आ गई थी, उसको अच्छी लगी थी। मुझे लग रहा था पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, बट खा के आ गई। मोस्टली जीनू सारी सब्ज़ी जो है ना फिनिश करके आती है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को देख के, कि मेरे को परेशान नहीं होना पड़ता कि मोस्टली बच्चे खाते नहीं ना सब्ज़ियाँ, बट जीनू सारी फिनिश करके आ जाती है। तो उसको नहला धुला के रेडी किया और उसको रेडी करके स्कूल भेजा है। उसको जाने के बाद पापा जी का भी टाइम हो गया था, तो उनको फिर मैंने हरी मिर्च पीस के उसमें फिर घुया भी बोला जाता है इसको, अरबी को हमारे यूपी साइड में बोलते हैं घुया, तो वो फ्राई करके वो पापा जी को दिया। फिर नाश्ता और लंच वगैरह पैक किया, उसके बाद फिर मैं नीचे गई थी पूजा करने के लिए। थैंक यू बेटा, चले यहाँ भी क्लिक करानी है? नहीं फिर यहाँ टाइम लगेगा, चलो जाओ जाओ। सिंगल ले ली इसके, यार स्कूल से आ चुकी हूँ मैं जीनू को लेके, और आज सेलिब्रेट हुआ होगा जीनू के स्कूल में मदर्स डे, तो उसी के लिए बनवाया होगा बच्चों से, सारे बच्चों से बनवाया। ये स्टोन वगैरह सब मंगाए थे घर से, और फिर सारे बच्चों ने एक्टिविटी की है मिलके। टाइम हो गया 1 बज गया, इतनी गर्मी हो रही है सच में, बाहर आती सबसे पहले एसी चलाया है, बहुत गर्मी लग जाती है। उन्होंने बनाया, जीनू आपने बनाया? पूरा पूरा आपने बनाया? अच्छा मैम ने नहीं बनाया? आपको बनाया, आपको आता है बनाना? ये कल भी टैडी वाले बिस्किट लाऊंगी और डोनट। डोनट जीनू ने एक दुकान चूज कर रखी है, बस वहीं से चीज लेके आती है। आज गई है दूसरी दुकान पे, यहाँ से लाई है टैडी वाले बिस्किट, इसमें छोटे छोटे टैडी निकल रहे। पहले हम खाते थे बेटा, पहले आप खाते थे? हाँ छोटे छोटे। और बताए कि उधर पे भी खाते, खाना लगा दूँ? शाम के टाइम पे मैं आई थी नीचे पूजा करने के लिए, तो पापा जी भी आ गए थे ऑफिस से, और आते टाइम ना वो लेके आए थे खरबूजे, तो वही फिर मैं ऊपर लेके आ गई हूँ। और दाल रोटी जो है वो तैयार हो गई है, फ्राई आलू हो गए हैं, दूध बॉईल कर लिया, और मैंने सोचा आज ना मीठे में जो है मीठी जो सिवैयाँ होती है ना, सिवैयाँ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ये बना देते हैं, दाल रोटी के साथ में थोड़ा मीठा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सिवैयाँ बन के हो गई तैयार, और हस्बैंड उधर कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, कुछ पार्सल मंगाए थे एक्चुअली, डंबल वगैरह मंगाए थे, तो वही खोल रहे थे। हस्बैंड के तो कल आ गए थे, बट आज जो है ये मेरे आए हैं। जीनू के भी ऑर्डर कर दिए हैं, जीनू के भी डंबल आने वाले हैं, वो उसके कल आ जाएंगे डंबल, तो आज जो है ये मेरे वाले खोल रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है फिटनेस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मोटापा जो है बढ़ता जा रहा है मेरा तो मोस्टली, तो वही मैं तो दूंगी ध्यान, हस्बैंड तो काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, बट मैं अभी अब अपने ऊपर ध्यान दूंगी अपने फिटनेस पे। तो यहाँ पे पापा जी खा रहे थे खाना, उनको छाछ वगैरह दिए, और उसके बाद फिर हस्बैंड ने और मैंने भी खा लिया था। उसके बाद हमने सोचा चलो यार वॉक करने चलते हैं, रात के टाइम पे हम लोग जाते हैं वॉक करने के लिए, तो टाइम से फ्री हो गए थे जल्दी, तो मैं सोचा चलो खाने के बाद ही चलते हैं। वैसे हम पहले घूमे आते हैं, बट नीचे आए तो नीचे आके देखा पापा के ना दांत में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया जाना। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जीनू की छुट्टी है, पापा ने ले लिए क्योंकि पापा जाएंगे अपने दांत दिखाने, और हस्बैंड ने भी ले लिए क्योंकि वो जाएंगे पापा को लेके, तो इसलिए जो है आराम से उठे हैं सब लोग। नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ पापा उठे नहीं उठे अभी तक, उनको उठाते हैं चल के।
जीनू उठ चुकी है और सुबह उठते ही सीधा उसने टीवी चलाई है, टीवी चला के बैठ गई है क्योंकि अभी कुछ काम धाम तो है नहीं उसका, आराम से बैठे दूध दूंगी अब आके ना, चार बजे बनाऊंगी अभी चाय नहीं बनाई। उठ तो गए शायद बाथरूम में नहा रहे होंगे। चलो यार साफ सफाई कर दो और फिर पूजा कर लेते हैं। और अभी कर लेते हैं पूजा, सफाई करने के बाद मैं लगी अपने जोत बत्ती में। और अभी ना पापा के लिए ना थोड़ा वैसा कुछ बनाना पड़ेगा, उनके दांत में दिक्कत होगी तो रोटी वगैरह तो खा नहीं पाएंगे वो, तो ऐसा हलवा बोल रहे हैं तो हलवा बना दूंगी उनके लिए, तो खा के उसके बाद ही फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। और हस्बैंड ने ऑफ लिया है तो वही पापा जी को लेके जाएंगे। तो यार मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा क्योंकि पापा के दांतों में दिक्कत है तो वो कुछ खा नहीं पाएंगे रोटी वगैरह, तो इसलिए हलवा बना दे दूँ, ईजीली खा लेंगे और सब लोग नाश्ते में खा लेंगे, फिर खाना बाद में बना दूँगी लंच में। और हलवा बन रहा था इतने मैंने सोचा है जो बर्तन है ना रात के जो मैंने रात को रख नहीं पाए थे, तो ये मैं कभी ऐसा हो जाता ना कि रात में ना रख पाऊँ मतलब तबीयत ठीक ना हो तो मैं मॉर्निंग में रख देती हूँ, सारा पानी निकल ही जाता है रात भर में। तो सारे बर्तन जो है मैंने लगाए वापस से और एक चूल्हे पर रखी मैंने चाय बनने के लिए, तो हलवे के साथ में जो है चाय नाश्ता हो जाएगा सबका सही से। तो भाई हलवा बन के हो गया तैयार, मैं ले जा रही हूँ अपने लिए, मेरी मेरी चाय ठंडी हो गई थी यार, दोबारा गर्म करेंगे थोड़ी। पापा और हस्बैंड चले गए, पापा जी को लेके गए हैं हॉस्पिटल दांत वगैरह दिखाने, खा पी के चले गए और अब मैं खा लेती हूँ। और दोपहर में हम लोग आ गए थे मॉल, एक्चुअली जीनू का बर्थडे आ रहा है तो उसी के चलते ना कुछ सामान वामान लेना था तो मैंने सोचा यहीं से ले लेते हैं आके। चलो आ जाओ जीनू, देखा ना एक बार ला के देखा ना जीनू को, मैं लगा रहा हूँ आप उधर देखो मम्मा। सही लग रहा है, बढ़िया एक ही बार के लिए। हाँ रख लो, जीनू की शॉपिंग हो रही है आज भी, इसमें तो और भी कलर है और देख लो और पसंद करो, इसमें और भी कलर है, ये देखो येलो है, सैमसंग के जो है ये ग्रे कलर है, ये अच्छा लग रहा है और वो भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे ये अच्छा लग रहा है। आपने निकाला कहाँ से? कुछ नहीं, कुछ भी हटाया नहीं इनमें से? नहीं नहीं सारा सारा करने में। इनु कहाँ जा रहा है? हैं? अगर जूते अच्छे लगे तो कमाई कम गए नीचे गए 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 आ गए पार्किंग में। हाँ आ जाओ मेरे साथ, हाँ है चलो। अरे तो अच्छा वो कर दिखाओ, करके दिखाओ जो अभी कर रहे थे आप, एक डंबल आ गए, एक डंबल से सुमो स्क्वाट करके दिखाओ, हाँ ऐसे बैठना, हाँ ये होना चलो ऐसे, वेरी गुड, आराम आराम से आराम से, और शोल्डर वाली करो, शोल्डर वाली, ओ बॉय आराम से आराम से, देखो ये सबके डंबल लगा, ये पूरा ढेर लग गया और पूरा ये मेरे वाले हैं और पूरा ढेर के साथ ये पापा के,
और पूरा ढेर के साथ एक बार ये वाला निकाल। अरे बेटा हैवी है वो। अरे बेटा रहने तो अलग जगह। अरे इसको ऐसे ऐसे रखना है ना। आपके साइज के लिए। ओके नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6। इससे तो जीनू की बॉडी बन जाएगी। ओके नेक्स्ट 2 डॉट। ये सेम वही कर रही है जो टीवी में चलता है वीडियो पापा डैश टू लंच। नेक्स्ट बंदा पीछे कर रहा है ना। लेफ्ट टू लंच। लंच नहीं लर्न। नहीं जीनो के बढ़िया लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं देखना। क्यूट से लग रहा है। ये तुम भी कर सकती हो इनसे बहुत सारी एक्सरसाइज। हां देखो नहीं इनसे क्यों हो जाए। रात को हम लोग यहाँ गए थे वॉक पे जो कि जाती हैं, तो आते टाइम ने सोचा कि सब्ज़ी ले लेते हैं कुछ भी। ख़त्म हो गई थी सब्ज़ी और पापा जी आज गए नहीं थे, वैसे वही ले आते हैं मोस्टली। तो अपने 2-3 जनों के भरे को मतलब बीन्स वगैरह ले ली मैंने, 1-2 सब्जी डाल ली थी। तो यहाँ से थोड़ा सा सामान ख़रीदा और इतनी गर्मी लग गई थी ना क्योंकि वॉक करते हैं, आजकल गर्मी तो हो ही रही है तो वॉक करने पे और गर्मी लग जाती है, पसीने हो रहे थे पूरे। उसके बाद यहाँ पे वाटरमेलन वगैरह देख रहे थे बट लेके कौन जाता है यार यहाँ से ढोके, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया है। और बस उसके बाद हम लोग घर चले गए एंड ब्लॉग का एंड भी करते हैं। इसी के साथ में आपसे मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।